तो गाइस जा चुके हैं मंदिर से बाहर, और मंदिर के बाहर ही मतलब ये एक रेस्टोरेंट मिला है जहाँ पे हमें अलाउ कर रहे हैं मतलब अपना टिफ़िन खाने के लिए, अदरवाइज मतलब दूसरे रेस्टोरेंट में अलाउ नहीं कर रहे थे। तो लंच अपना हो गया है कम्प्लीट और चाय आ चुकी है, वही चाय पीते हैं यहाँ से और फिर उसके बाद निकलते हैं। और अभी हम लोग फ़िलहाल खजुराहो में ही हैं, मतलब टेंपल से 10 किलोमीटर आ चुके हैं, फ्यूल अप करा रहे हैं अभी। मतलब पूरी तरह से ना टंकी मतलब खाली नहीं हुई है, लेकिन मतलब रहा था कि आगे घाटी वाटी आएंगी तो क्या मतलब रिस्क लेने का, इससे अच्छा है कि अभी डलवा लेते हैं और फिर कम से कम सुकून से मतलब चल तो पाएंगे, और फिर उसके बाद रात भी होने वाली है अब। सो गाइस हम लोगों ने टिकट ले ली है, और ये रही टिकट, मतलब पांडव फॉल करके है प्लेस, 50 रुपये चार्ज है 2 पर्सन का और विथ 1 बाइक या स्कूटी जो भी हो। तो मतलब एंट्री कर चुका हूँ और चलते हैं, मतलब बताया गया है कि 700 मीटर है, अब चलते हैं देखते हैं आगे। साढ़े चार बज चुके हैं, 4:30 हो गया है, हिली एरिया है तो मतलब ठंडी है थोड़ी बहुत, ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ी बहुत है। और ये पांडव फॉल करके है जगह, तो दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ का व्यू, मतलब बेसिकली नीचे जा सकते हैं शायद, रोड है तो वहीं नीचे जा रहे हैं हम लोग। और ये अभी पार्किंग से व्यू था ये। इस तरह का व्यू है यहाँ का, पूरा बहुत ज़्यादा घना मतलब जंगल है, यहाँ से पानी, बारिश का सीज़न नहीं है यार, नहीं तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा पानी बहता हो यहाँ से। और ये व्यू बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा, नीचे भी लोग हैं ये देखिए, जा सकते हैं अपन भी नीचे। यहाँ पे अकेला मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। 4:30 हो रहे हैं और 5:30 तक मतलब ये खुला रहेगा, 5:30 तक हम लोगों को वापस आना है, तो मतलब अभी हम लोगों के पास 1 घंटे का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हम लोगों के पास, तो घूम लेते हैं थोड़ा सा। साहिर अपना जा रहा है, तो वो था ऊपर, वहाँ से हम लोग आए हैं और अभी घूम के जा रहे हैं। आप लोग भी आ सकते हैं, मतलब अगर आप नौगांव तरफ से जाते हैं तो खजुराहो टेंपल से पहले है, खजुराहो टेंपल के मतलब 30-40 किलोमीटर पहले है, 25 से 30 किलोमीटर के बीच में, वहाँ से हम लोग आए हुए हैं। पूरा ऐसे राउंड करके पूरा ये ब्रिज है, और ऐसे पूरा राउंड करके इधर से घूम के आए हुए हैं। और यहाँ का व्यू देखिए आप लोग, पूरा यहाँ से पानी बह रहा है पूरा ऊपर से, पूरा पानी गिर रहा है यहाँ पे, बारिश में कितना प्यारा होता होगा भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है पांडव गुफाएं, ये पांडव गुफाएं लिखा तो हुआ है, और काफ़ी प्यारा व्यू है गाइस यहाँ का, कैमरे में ना उतना प्यारा दिख नहीं रहा है, बाकी है बहुत अच्छा। तुम क्या जासूसी कर रहे हो भाई? सो गाइस साहिल जा रहा है अंदर, मैं भी चलता हूँ। पूरी गुफाएं हैं यार, डर लग रहा भाई, कहीं काफी ज्यादा अंधेरा है यहाँ पे, और इसके अंदर भी है। और साहिल रहन दो यार, इसमें पूरा गुफा बनी हुई, मतलब घर टाइप भी बना हुआ है। चलो बाहर। साहिल अच्छा लगा? मज़ा आ गया भाई, मतलब यहाँ पे सोचो बारिश में कितना मज़ा आता होगा यहाँ पे ना। हाँ। अभी इतना मतलब ज़्यादा से रहता होगा, तो कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा है, अपन शो नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो बहुत प्यारी जगह है ये। हाँ। चलो कैसा रहा यहाँ का व्यू कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग एक बार,
मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा और बहुत मज़ा आया यहाँ पे। जा चुके हैं पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास। अच्छा हुआ कि वहाँ से ना हम लोग मतलब गाड़ी ले आए हैं, वरना वहाँ गेट तक जाने में ही ना हालत ख़राब हो जाती। हालत तो यहीं भी ख़राब हो चुकी है, पर वहाँ जाने में भी ना और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। तो अच्छा हुआ कि यहाँ तक गाड़ी लेके आए थे। कैसा लगा साहिल? थक गए यार। मज़ा आया तुम्हें? मज़ा तो आ गया है ना। व्यू काफ़ी ज़्यादा प्यारा है ना। एक्टिवा जिंदाबाद। हमने देखा कि पांडव वाटरफॉल हम लोग नीचे गए थे और सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गए, और अभी यहाँ से हम निकलने वाले हैं। और टाइम कितने बज चुके हैं साहिल? टाइम क्या हो रहा है? 5 बज चुके हैं, और अभी भी मतलब 30 मिनट का टाइम था हम लोगों के पास, घूम सकते थे, पर बहुत ज़्यादा हो गया, टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और अभी घाटी वाटी भी क्रॉस करनी पड़ेगी। तो यार आ चुके हैं नागौद और हो चुकी है मतलब रात, और ठंड भी तो बढ़ी गई है। हो सकता है शायद आज भी यहीं स्टे करना पड़ेगा हम लोगों को, देखते हैं जैसा भी होगा। सेम उसी जगह पे रुके हुए हैं। कल तो इतनी सुबह सुबह मैं नहा भी लिया था, और आज नहाया भी नहीं हूँ, और आज काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे। मतलब अभी कितने बज रहे हैं? 10 बज चुके हैं, और यहाँ पे धूप वूप नहीं निकली, पूरा फॉग फॉग हो रहा है। तो यहाँ से मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाएंगे घर के लिए। मतलब रीवा मतलब नागौद में रुके हुए हैं अभी हम लोग, और नागौद से लगभग वही सेम 80 किलोमीटर के आसपास होगा मतलब रीवा के कहने पर। खा रहा समोसा सब लोग। ओम भाई ओम छुप रहा क्या बोले साहब? हेलो गाइस, समोसा खा लो, ये लीजिए, एक एक आलू उठा लिए, खाइए। हां गरम है तो खाओ ना, गरम गरम। क्या है इस पर? ए बस मुंह जल जाएगा। क्या बोल रहे हो? बोलो, लाइक कर दीजिए। और सिर्फ लाइक बस करना है? समोसा ना खिलाओगे? चूहा जा रहा है। समोसा ना खिलाओगे? खिला देना। तुम क्या बोल रहे हो? लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और तुम? ओम जल्दी 10 लाख कंप्लीट करियो। तुम? 1 मिलियन जल्दी। मौसा जी आप? मैं क्या बोलूं? हाय 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 हाय। तो यहाँ मस्ती के साथ साथ समोसा पार्टी चल रही है। 2 hours later तो गाइस अभी दोनों भाई चाय पियेंगे, और मतलब काफी ज्यादा ठंड है, देखिए देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा ठंडी है। और मतलब 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बज रहे हैं, और कहीं से भी नहीं लग रहा कि 4 बज रहे हैं। मतलब बारिश वाला पूरा माहौल है, और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। मतलब यहाँ से रीवा भी 25 किलोमीटर बचा हुआ है, और रीवा पहुँच के साहिल को ड्रॉप करना है मुझे, और फिर साहिल के घर से 20 किलोमीटर मुझे भी जाना होगा अपने घर के लिए। तो मतलब मेरे लिए तो 40 किलोमीटर है यहाँ से। सो गाइस फाइनली आ चुका हूँ मैं घर, और घर पहुँच के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सुकून मतलब फील हो रहा है। और 430 किलोमीटर एक्टिवा चली हुई है टोटल, मतलब अपनी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। और आ तो मैं बहुत पहले ही गया था, मतलब 6:30 बजे के आसपास मैं आ चुका था, घर पहुँच गया था, और अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं रात के। कि मतलब हम 2 लोग ही बस थे, और वो भी इतना दूर थे। इंसान के पास टेंशन तो होती है कि अगर रास्ते में कुछ हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो जाए। तो हम लोग के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, और इतना दूर कोई आ भी नहीं सकता था, तो थोड़ा उस वजह से ना स्ट्रेस था, इसलिए थोड़ा सा सीरियस टाइप का थोड़ा ब्लॉग शूट हुआ है। बाकी आप लोग थोड़ा एडजस्ट करके देख लेना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आपको किसी प्यारी सी वीडियो में।
तब तक के लिए बाय और गुड नाइट।